अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहमतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, पहले क्या होता था कि यदि हम लोग सजिल तारीख और युक्सते जारी यदि हम लोग को एक्सपायर कर जाता था, हम लोग रिन्यू कराते थे तो सिर्फ हम लोग का रिन्यू जो होता था वो एक साल तक रिन्यू होता था। तो दोस्तों, फिर एक साल बाद हम लोग को फिर से प्रॉब्लम होता था, फिर वही काम हम लोग को बार बार हम लोग को करना पड़ता था। पर साथियों, आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छी खबर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही है कि उन्होंने कहा है कि जो रुखसतें जारी और सिजिल तारीख दोस्तों यदि आपका वो एक्सपायर कर जाता है तो एक्सपायर करने के बाद दोस्तों जो रिन्यू होगा वो एक साल का होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो अब 5 साल का होगा। तो साथियों, पहले क्या होता था, वो 1 साल का होता था रिन्यू, अब होगा वो 5 साल का। तो दोस्तों, रुखसत जारी आपका यदि एक्सपायर कर जाता है तो पहले एक होता था 1 साल का, अब वो रिन्यू होने के बाद दोस्तों 5 साल के लिए रिन्यू होगा। तो दोस्तों, जो हर साल का जो प्रॉब्लम होता था रिन्यू कराने का, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी खुशखबरी दोस्तों ये भी, रुखसत जारी दोस्तों यदि हम लोग अप्लाई करते थे रिन्यू के लिए तो कम से कम मिनिमम दोस्तों 48 घंटा लग जाता था हम लोग को रिन्यू होने में। पर साथियों, अब एक खुशखबरी उसमें और ये भी है कि यदि आप अप्लाई करते हैं तो साथियों आपको बता दूं, ये तुरंत ही आपका रिन्यू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तुरंत रिन्यू होगा। आपका 48 घंटा जो टाइम लगता था वो अब टाइम नहीं लगेगा। तो साथियों, यदि आपका ये दिक्कत पहले दिक्कत ज़्यादा होता था तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, अब दिक्कत आपका पूरा अब दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरी खबर दोस्तों यह है, दोस्तों एक भाई का बार बार एक सवाल आ रहा था कि भाई इंडिया का और जो कतर का वीज़ा का जो इंडिया कतर का वीज़ा कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ, इंडिया और कतर का वीज़ा इस महीने स्टार्ट होने की उम्मीद नहीं है। नया वीज़ा के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, नया वीज़ा स्टार्ट होने की इस महीने उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, यो भी उम्मीद लगाए हुए हैं तो उम्मीद मत लगाइए, इस महीने नहीं होगा, अगले महीने शायद, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा, शायद बोल रहा हूँ, तो अगले महीने हो सकता है स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, बस दो ही अपडेट थी, तो मैं सोचा आप तक शेयर करूँ। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को कतर की जानकारी हो सके। तो मिलते साथ उसी तरह के नेक्स्ट वीडियो को लेकर, नेक्स्ट कतर की जानकारी को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।